Hi everyone, and welcome to the Change Collective podcast. We love bringing you stories of inspirational people from around the world who are changing their part of the world. Today we are absolutely honored, privileged to have a legend in the space of social entrepreneurship, the founder of Jaipur Rugs, Mr. Chaudhary. He's well known as the Gandhi of the carpet industry, one of the founding fathers of the carpet industry. I'm super excited to just hear his journey, how he started, where he is today. Mr. Chaudhary is comfortable in Hindi, so I'm going to try and ask some questions in Hindi, but I'm a South Indian trying to speak Hindi, a Tamilian voice. So thank you, Chaudhary ji. Thank you so much for coming today. Let's start aapka childhood. How did you grow up? We'd love to hear the story of what is sort of aapka childhood ka. राजस्थान के चूरू शहर में पैदा हुआ और मेरी स्कूलिंग भी चूरू शहर में हुई और बचपन से मैं बहुत ही इनोसेंट और एक शर्मीला बच्चा था। मेरी जर्नी की शुरुआत चूरू राजस्थान से हुई। नाइस। आपका फैमिली क्या कर रहे थे? आपका मम्मी पापा, सिबलिंग्स? मेरे पिताजी चूरू शहर में एक ब्रांडेड शूज की दुकान चलाते थे और हम लोग, मेरे एक भाई थे और पांच बहनें थी मेरे, और मैंने अपनी करियर की शुरुआत भी ग्रेजुएशन करने के बाद में, जो मेरे पिताजी ब्रांडेड शूज की दुकान चलाते थे, वहाँ से करियर की शुरुआत की। तो मैंने देखा है कि वहाँ ज़्यादा आगे बढ़ने का स्कोप नहीं था और सेल्समैनशिप मुझे अच्छी भी नहीं लगती थी, और दुकान पे काम करते करते मुझे एक सरकारी बैंक में परमानेंट कैशियर की नौकरी मिल गई। मैंने नौकरी ज्वाइन नहीं की और बैंक को धन्यवाद का पत्र लिखा कि आपने इस लायक समझा। तो फिर मैंने सोचना शुरू किया कि हु एम आई, मैं कौन हूँ, मेरा पैशन क्या है, कि मैं अपने पैशन को ही अपना बिजनेस बनाना चाह रहा था। तो मुझे समझ में आया कि मैं एक पीपल पर्सन हूँ, नेचर में समय गुजारना ज़्यादा अच्छा लगता है। तो थोड़ी डीप रिसर्च करने के बाद में ये पता चला कि उस वक्त इंडियन कारपेट की एक्सपोर्ट में बहुत गहरी मांग थी। तो मैंने सोचा इसी धंधे से शुरुआत करूँ मैं अपनी, जिससे मुझे ऐसे लोगों के साथ काम करने का मौका मिलेगा जिनको कोई नहीं पूछता, नए नए लोगों से मिलने का मौका मिलेगा, गांव में जाने का मौका मिलेगा। तो अपने पिताजी से मैंने 5,000 रुपये का लोन लेकर दो लूमे के साथ, जो मैंने अपने घर पे लगाई, उसके साथ इस धंधे की शुरुआत मैंने की। Wow, I'd love to hear more about those early days, those beginning का days, बहुत जुगाड़ वाला days था। तो आपने starting में कैसे start किया? Because वहाँ पे I mean, exporting rugs का industry बड़ा नहीं था वो 70s में, late 70s में और early 80s में। First few years आपने navigate कैसा किया, आपके लिए कैसा था? देखिए, मैंने दो लूम जब अपने घर पे लगाई तो मैंने सबसे पहले जोबर्ग से शुरू किया। मैंने 8-9 साल तक एज ए कॉन्ट्रैक्टर मैन्युफैक्चरर काम किया। मैं जयपुर के किसी एक बड़े एक्सपोर्टर से कारपेट का रॉ मटेरियल लाता था और उन्हीं को मैं माल बना के दे दिया करता था। और कुल मिला तक आई वर्क एज ए कॉन्ट्रैक्टर मैन्युफैक्चरर फॉर 9 years। नाइस। व्हेन यू वर स्टार्टिंग अप जयपुर रग्स, बिगेस्ट चैलेंज क्या था आपके लिए? आपका व्हेन यू गो टू स्लीप एट नाइट, आप जब सोते थे, आपका बिगेस्ट वरी क्या था? देखिए, जयपुर मैंने 99 में शुरुआत की और जो बिगेस्ट वरी थी, मेरा ये विजन था कि मेरा जो वीवर है, जो आर्टिजन है, उसको एंड कंज्यूमर से जोड़ना है, एंड जयपुर इज लाइक ए प्लेटफॉर्म। तो जो सबसे बड़ी भरी थी, सबसे बड़ी मुझे जो चिंता थी, वो ये थी कि हाउ टू फाइंड द राइट पीपल जो इस पूरी जर्नी में मेरे साथ रह सके, एंड दे बिलीव व्हाट आई बिलीव, और मेरे वैल्यूज और मेरी फिलोसफी से उनकी मैचिंग हो। आई लव दैट। आई मीन, तो आपने वो, हाउ डिड यू बिल्ड दैट, कि द वैल्यू सिस्टम, कि वीवर, एक्सपोर्टर, यू, वो कम्युनिटी आपने कैसे बिल्ड किया? देखिए, सबसे पहले तो मैं वीवर्स के बारे में बताना चाहूंगा कि जब जयपुर मैंने शुरू किया और मेरे पांच बच्चे जो अमेरिका में पढ़ते थे, एक एक बच्चा अमेरिका से पढ़ के इंडिया वापस आने लगा, तो बिजनेस इतना तेजी से बढ़ा कि हर साल में 3,000 से 4,000 वीवर ऐड करने लग गया। तो हमारा क्या, वीवर को समझने का एक बहुत बड़ा रोबस्ट सिस्टम है। हमारे ग्रास रूट में जितने भी जो ब्रांच मैनेजर है, क्वालिटी सुपरवाइजर है, उनको खूब अच्छे से मालूम है कि वीवर को कैसे फिल्टर करना है, क्योंकि हमारा ये विश्वास है कि एक जो वीवर, जो एक अच्छा इंसान है, वो एक अच्छा कारपेट बना सकता है। तो हम लोग खूब अच्छे से वीवरों का सिलेक्शन करते वक्त उनको फिल्टर करते हैं, और उसके बाद भी हम ध्यान रखते हैं कि उन्हीं वीवरों के साथ काम करें जो हमारी फिलोसफी में मैच होते हैं। और हम ग्रास रूट पे जितने भी ब्रांच मैनेजर है, क्वालिटी सुपरवाइजर है, वहीं के लोकल लोगों को लेके वही जो उस फिलोसफी में बिलीव करते हैं, उनको रखते हैं। अब रही बात हेड ऑफिस की, तो जो जयपुर ऑफिस है,
उसमें सबसे ज्यादा पढ़े लिखे लोग, शुरू शुरू में मुझे 10-15 साल बहुत ज्यादा दिक्कत आई। मुझे भी उस वक्त ये नहीं मालूम था कि जयपुर की फिलोसफी क्या है, जयपुर की वैल्यूज क्या है, मैंने कभी उस बारे में बहुत ज्यादा सोचा नहीं। फिर 10-15 साल बाद जब दिक्कत आई तो फिर बेन एंड कंपनी ने हमारे हु वी आर स्टेटमेंट को बनाया और उसके बाद हम लोगों ने उन्हीं लोगों को लेना शुरू किया। आई थिंक वन क्वेश्चन आई हैड वाज, जब आपने स्टार्ट किया तो डिड यू हैव द अंडरस्टैंडिंग की सोशल एंटरप्रेन्योरशिप, बिकॉज सोशल एंटरप्रेन्योरशिप अभी इंडिया में इट्स अ बूमिंग, इट्स अ ग्रोइंग इंडस्ट्री। राइट, जब आपने स्टार्ट किया वो द मिक्सचर ऑफ बिजनेस एंड मिशन, ये हमारा बिजनेस है, वी वॉन्ट टू मेक प्रॉफिट बट मिशन भी है साथ में, पर्पस भी है, तो आपने वो दोनों को कैसे जुड़ा? आई मीन हाउ वाज दैट कॉम्बिनेशन, वाज इट डिफिकल्ट टू एक्सप्लेन टू पीपल? लव टू हियर योर अंडरस्टैंडिंग। देखिए अजीत, मुझे करीब अभी जैसे मेरे को बिजनेस करते हुए करीब 44 साल हो गए और करीब 30 साल तक मुझे ये मालूम भी नहीं था कि विजन, मिशन, पर्पस, वैल्यूज क्या क्या होते हैं। बस मुझे जो अच्छा लगता था उसको मैं करता चला गया और धीरे धीरे एक बार बेन एंड कंपनी के ग्लोबल बड़े सीनियर पार्टनर्स वो इंडिया आए और 10 लोग थे, उन्होंने पूरे दिन मेरे साथ गुजारा। तो विलेज में जब उन्होंने गुजारा तो वो इतने ज़्यादा खुश हुए कि दुनिया में जयपुर एक ऐसी कंपनी है जिसके पास रियल 1000 ऑथेंटिक स्टोरीज है। फिर उन्होंने हमारे हु वी आर स्टेटमेंट को बनाया और हमें उन्होंने बताया कि आप कौन हो और आपकी यूनिकनेस क्या है, और उसको भी बेन एंड कंपनी से के पार्टनर से समझने में हमें 2-3 साल लगे कि हम लोग कौन है। और जब हमें ये समझ में आया उसके बाद जो बिजनेस में ग्रोथ आई, उसके बाद जो प्रोग्रेस हुई वो एक बहुत यूनिक थी और उसी से जयपुर का एक यूनिक ब्रांड पूरी दुनिया में बना। When you look back on your life, तो आप, what is for you most satisfying कि हमने ये अचीव किया? आपके लिए क्या most satisfying चीज़ है जो आप बोलेंगे कि I've done this, I'm happy? क्योंकि देखिए शुरू से मेरा पर्पस था कि जो हमारे जो व्यूअर है उनको एंड कंज्यूमर से जोड़ना है, और दूसरा ऐसा था कि मुझे पूरा भरोसा था कि ये जो व्यूअर है ये महिलाएं हैं, ये पढ़ी लिखी नहीं हो, भले इनको एक्सपोजर नहीं मिला हो लेकिन इनके पास वो क्रिएटिव कैपेबिलिटीज है, प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स है, एंड दे आर वेरी गुड मैनेजर्स। तो जब इन्होंने ग्लोबल लेवल पे अपनी पहचान बनाई इन महिलाओं ने, तो मुझे बहुत भारी संतुष्टि महसूस हुई। इनकी डिग्निटी जब ग्लोबली जाती है और इनके बनाए डिजाइन के कारपेट को जब अवार्ड मिलते हैं, अभी 3 दिन पहले ही वर्ल्ड का सबसे बेस्ट अवार्ड एक हमारी वीवर महिला की बनाई डिजाइन को मिला, तो ये मेरे लिए सबसे ज्यादा संतुष्टिदायक होता है। नाइस, ब्यूटीफुल। अगर आप आज का सोशल एंटरप्रेन्योर को अगर आप एडवाइस दे सकते हैं, आप क्या एडवाइस देंगे? देखिए जो आज क्या है कि एक सोशल एंटरप्रेन्योरशिप का एक फैशन जैसा बन चुका है, हर आदमी सोशल एंटरप्रेन्योरशिप की बात करते हैं, लेकिन देखिए कोई भी जो बिजनेस है ना केवल सोसाइटी के लिए नहीं हो सकता। बिजनेस का मतलब है कस्टमर, सर्विंग द अंडर सर्व कस्टमर, क्योंकि कोई भी बिजनेस में सबसे इम्पोर्टेंट है कि अगर आप कस्टमर को, जिसको किसी ने वो सर्विस नहीं दे पाई जो आपको देनी है, उसी से प्रॉफिट आएगा। तो मेरी एडवाइस ये है कि सबसे पहले ना बिजनेस में कस्टमर को देखिए, और फिर आपका बिजनेस इट शुड बी ड्रिवन बाय द कंपैशन, एम्पैथी एंड लव, जिससे आपके साथ सोसाइटी के जो लोग हैं उन लोगों को आप साथ लेके चल सको, उनकी लीडरशिप को डेवलप कर सको, उनको आप कैपेबल बना सको। तो सोसाइटी और कस्टमर दोनों को साथ लेते हुए एक सोशल एंटरप्रेन्योरशिप अच्छी तरह से चलाई जा सकती है। नाइस, थैंक यू सो मच फॉर दैट। आई थिंक दैट्स वेरी वैल्यूएबल एडवाइस फॉर एनीवन स्टार्टिंग देयर जर्नी। मल्टीपल बुक्स हैव बीन रिटन अप विद योर स्टोरी मिस्टर जादी, बट देयर इज वन विच इज वेरी इंटरेस्टिंग कि इट्स अ कॉमिक बुक, इट्स अ मिक्स ऑफ इलस्ट्रेशन, थोड़ा राइटिंग भी है उसमें, एंड इट्स कॉल्ड द यूनिवर्सिटी ऑफ हार्ड रॉक्स एंड लाइफ। So how did this happen? What is this? What is Hard Rocks? How does university come in? देखिए मैंने अपना जब ग्रेजुएशन कंप्लीट किया तो फिर जब मैंने अपना बिजनेस करने की सोची तो मुझे ये मालूम था कि मैंने जो पढ़ाई लिखाई की है वो एक थ्योरेटिकल नॉलेज है, उस नॉलेज को मुझे कैसे काम में लेना है इसके लिए मुझे
अपने बिजनेस में बहुत सारे चैलेंजेस आएंगे, फेलियर्स आएगी, और मुझे वो जो फेलियर्स है, वो जो चैलेंजेस है, उसे सीखते हुए आगे बढ़ना है। और जब मुझे फेलियर आए, चैलेंजेस आए, तो मैं निराश नहीं हूं, यह सोच के मैंने उसको नाम दिया यूनिवर्सिटी ऑफ हार्ड रॉक्स ऑफ लाइफ, क्योंकि अब मुझे अपनी जिंदगी की असली पढ़ाई पढ़नी है, और मैं जिंदगी की असली पढ़ाई धरातल पे रह के पढ़ूंगा, और वही मेरी सफलता बनेगी। Nice, very interesting. I really enjoyed reading the comic book illustration. I think it tells your story so well, and I'll definitely try and post a link to that online also. I think one question that I had is, you're already running a business. The business has a mission. Then on top of that, you've chosen to make it a family business. So family toh naturally complicated hota hai. Now family running a business with Asha, Archana, Kavita, I think your sons also are involved, sales, marketing, Yogesh, Nitesh, supply chain. How is it possible? How is it working together as a family? Let me ask that question first. एक तो देखिए, सबसे पहले मैं बताना चाहूंगा कि जो मेरे पांच बच्चे हैं वो बिजनेस में कैसे आए। पांचों बच्चे अमेरिका में पढ़ रहे थे, तो जब उनकी पढ़ाई कंप्लीट होती चली गई, तो एक एक बच्चा इंडिया आता चला गया। मेरा क्या, बच्चों से बहुत जुड़ाव था, लगाव था, और मैं बच्चों को एज ए फ्रेंड ही डील करता था। तो जब मैं गांव में जाता था, तो बच्चे मेरे साथ जाते थे, तो नेचुरली उनको इस धंधे से इतना लगाव हो गया कि पढ़ाई उनकी कंप्लीट होने के बाद में एक एक बच्चा इस बिजनेस में आता चला गया। और फिर सबसे अच्छी जो बात हुई, पांचों बच्चों के अलग अलग शौक थे, अलग अलग खासियत थी। तो जैसे योगेश ने मार्केटिंग सेल्स संभाला, कविता ने डिजाइन संभाली, आशा ने यूएस की कंपनी को पूरा संभाला, दूसरे नंबर के बेटे ने सप्लाई चेन संभाली, और दूसरी बेटी ने अमेरिका एक कंपनी में वहाँ की सप्लाई चेन को देखा। तो पांचों बच्चे एक बिजनेस के अलग अलग पिल्लर बन गए, और उसी की वजह से आज जयपुर में इतनी सारी ग्रोथ आई। और जैसे फैमिली बिजनेस के चैलेंजेस होते हैं, क्योंकि फैमिली के अंदर इमोशंस, मैनेजमेंट, फैमिली सारे एक साथ शामिल हो जाते हैं, तो बहुत सारे ऐसी डिसीजंस होते हैं जिस पे सारी फैमिली एकमत नहीं होती। तो हमने हमारी फैमिली काउंसिल बनाई, और अब सारे जो निर्णय हैं वो हम बहुत ही फॉर्मल ढंग से और सबके साथ बैठ के करते हैं। That's such a unique story. I mean, family is such a big part of our lives, but to run family and business together is amazing. And that with the five children running it, I don't know how, that I think itself is a story in itself. Somebody should write a book on that, how the family works together. But brilliant, love that they've studied and now taking us forward, incredible work. Couple of questions I had was, when you think of Jaipur Rugs, abhi toh, such an incredible journey across so many decades. What is the future that you see? How would you like Jaipur Rugs to grow? How would you like the next generation to take it forward? देखिए, जो future vision जो Jaipur Rugs का है, एक तो ये है कि हमारे जो artisan है, उनको artist बनाना। Each and every artisan of Jaipur Rugs will be converted into that artist and will be connect with the world of design. और दूसरा ये है कि जयपुर रग B2C में आगे ज़्यादा काम करेगा, तो जो एंड कंज्यूमर है उनको वीवर से ज़्यादा जोड़ना, जो वीवर की कहानी है, जो एक एक्सपीरियंस है, वीवर की जो ब्लेसिंग्स है, वो B2C के माध्यम से एंड कंज्यूमर को ज़्यादा ज़्यादा बताना। और जो जयपुर रग की जो कोर है, जयपुर रग की जो वैल्यूज है, वो हमेशा नॉन निगोशिएबल रहे। बिजनेस एक्सपेंशन का ये मतलब नहीं कि जो वैल्यूज है उनके साथ कोई समझौता हो। Those are the non negotiable. I think that's very inspiring to have such a clear vision for the future. अगर आप rewind कर सकते हैं and अगर आप फिर से शुरू से start कर सकते हैं, आप क्या, what would you do differently अगर आप फिर से round 2 बिगनिंग से स्टार्ट कर सकते हैं? जैसे मैंने 44 साल पहले इस धंधे को शुरू किया था, जो 44 साल गलतियां करके जो मुझे सीखने को मिला, और अब 44 साल पहले वापस जाके मुझे वही चीज शुरू करनी पड़े, तो जो सबसे पहला मैं जो काम करूंगा वो करूंगा कि
फाइंडिंग द राइट पीपल, पहले मैं अपने विजन मिशन पर्पस को डिफाइन करूंगा और उसको डिफाइन करके फिर ऐसे लोगों को खोजना जो मेरे साथ लंबे टाइम तक चल सके, और उसके बाद किसी बिजनेस की शुरुआत करनी। अगर इस तरह से मैंने पहले किया होता तो इस बिजनेस में मेरे बहुत सारे समय, बहुत सारी साल बच गए होते। थैंक यू फॉर शेयरिंग दैट। आई थिंक सो क्लियर, राइट? लाइक दैट टू फाइंड पीपल हु हैव सिमिलर वैल्यूज, अलाइन विद पर्पस, अलाइन विद मिशन, एंड टेक दैट लॉन्ग टर्म जर्नी विद यू, राइट? डेफिनेटली एग्री विद दैट। लास्ट क्वेश्चन एंड सिमिलर टू द लास्ट वन इज 21 ईयर ओल्ड NK चौधरी, अगर आप ही कम्स ऑन अ ज़ूम कॉल विद यू आज, व्हाट एडवाइस वुड यू गिव 21 ईयर ओल्ड चौधरी? आप अपना यंगर सेल्फ को क्या एडवाइस देंगे? बस मैं यंगर सेल्फ को यही एडवाइस दूंगा कि जैसे मैंने पहले भी बताया था कि ये जो बिजनेस है इसको मैं क्यों करना चाहता हूं, मेरा पर्पस क्या रहेगा, मेरे वैल्यूज क्या रहेंगे, और उसके लिए मैं किस तरह के लोगों को लेऊंगा, किस तरह से उनको मैं चुनूंगा, तो वो ही सबसे बड़ी एडवाइस दूंगा। थैंक यू सो मच फॉर दैट। एनीथिंग एल्स यू वुड लाइक टू शेयर मिस्टर चौधरी, आपका लर्निंग्स, आपका एक्सपीरियंस से फॉर टुडेज यंग पीपल, फॉर द यूथ ऑफ टुडे, व्हाट वुड यू लाइक टू शेयर? व्हाट फॉर यू इज समथिंग दैट्स कोर टू द सक्सेस ऑफ जयपुर रग्स, ऑफ योरसेल्फ एज अ पर्सन, फ्रॉम योर एक्सपीरियंस, फ्रॉम योर विजडम? वी'd लव टू हियर। यस, सो मेरी एडवाइस यही रहेगी कि लव योरसेल्फ, लव व्हाटएवर यू डू, एंड लव टू द पीपल। लव दैट, लव योरसेल्फ, लव द पीपल अराउंड यू, एंड लव व्हाट यू डू। आई थिंक सच अ क्लियर विनिंग मैसेज। मिस्टर चौधरी, थैंक यू सो मच फॉर स्पेंडिंग टाइम विद अस टुडे। इट्स बीन एन एब्सोल्यूट प्लेजर। आई हैव लव्ड हियरिंग फ्रॉम यू। वन ऑफ माय ग्रेटेस्ट जॉयज इन लाइफ इज टू लिसनिंग टू पीपल हु आर फर्दर ऑन इन द जर्नी एंड लर्निंग फ्रॉम देयर विजडम। सो बहुत 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 शुक्रिया, एंड सॉरी अगेन फॉर द हिंदी, बट या इट वाज ऑलवेज माय वीक सब्जेक्ट इन स्कूल, बट थैंक यू सो मच एंड रियली अप्रिशिएट योर टाइम। थैंक यू।